गुड मॉर्निंग क्लास 10, शुरू करेंगे हमारा आज का क्लास। हमने लास्ट क्लास में शेरशाह सूर के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने हुमायूं को किस तरह से हराया और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली पर रूल किया, लेकिन फिर बाद में वापस से हुमायूं ने उन्हें हराया और वापस उनसे राज्य छीन लिया। और उनके मरने के बाद देखा गया कोई कैपेबल रूलर नहीं था, जिसके कारण सूर्य डायनेस्टी जो है उसका एंड हुआ और बाद में वापस हुमायूं उन्होंने वापस कब्ज़ा किया। और हुमायूं के बाद अब जो है नेक्स्ट रूलर जो था मुगल्स में वो था अकबर। तो अकबर देखा गया अकबर में कि अकबर जो थे वो बॉर्न 1544 इनका जन्म हुआ था इन उमरकोट फोर्ट के अंदर सिंध में। और एट द एज ऑफ 13 इनका जो एज इतनी कम उम्र में ही, सो एट द एज ऑफ 13 बैरम खान बिल्ड अ थ्रोन ऑफ ब्रिक इन कलनौर एंड क्रोनेटेड हिम ऑन 14 फरवरी 1556। तो बैरम खान के पिता के बाद हुमायूं के मरने के बाद अकबर, उस समय उनका एज कितना था, ही वॉज ओनली 13। सो बैरम खान बिल्ड अ थ्रोन ऑफ ब्रिक, उन्होंने एक जो है ब्रिक बनाई, थ्रोन से बनाई, सॉरी बिल्ड अ थ्रोन, मुकुट जो था ब्रिक का बनाया इस तरह से, और उसे राजगद्दी जैसे उसका राजगद्दी सिंहासन होता है जहाँ बैठते हैं, ठीक है, तो सर उसको मिट्टी ब्रिक्स की बनाई कलनौर में, और उसको एज अ कॉर्नोटेड मतलब उसको राज अभिषेक जो उसकी सेलिब्रेशन होती है उसको वहाँ पर एज अ किंग उन्हें डिक्लेयर किया कि अब जो है अकबर इज़ द रूलर। सो ऑन 1556 बैरम खान बिकम हिज गार्जियंस। तो उसके बाद बैरम खान आफ्टर हुमायूं, क्योंकि हुमायूं को मरने के बाद अब जो उनको देखभाल कर सकता उनको गाइड कर सकता वो कौन था, बैरम खान, क्योंकि बैरम खान वॉज अ वेरी गुड एंड टैलेंटेड मिलिट्री सोल्जर जो था, जिसके कारण हुमायूं ने वापस से दिल्ली का जो एम्पायर था पूरा उससे वापस लिया। तो बैरम खान बिकम द गार्जियंस ऑफ अकबर उनके पापा के बाद। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अफगान कमांडर हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैरम खान ऑन 5 नवंबर 1556 में। देखा गया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था जिसमें बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को, और बाबर ने मुगल डायनेस्टी का नींव रखा था, पुट दैट ही एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। सो इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगेन देर वॉज अ बैटल बिटवीन अफगान कमांडर एंड हेमू एंड मुगल रिप्रेजेंटेटिव बैरम खान। इन दिस बैटल ड्यू टू बींग हर्ट बाई एन एरो ऑन इट्स नेक, इट वॉज बीन सेड दैट बैरम हेमू ही वॉज बीन इंजर्ड, उसे चोट लग जाती है नेक में, उसको तीर लग जाती है जिसके कारण हेमू फेंटेड एंड द अफगान लॉस्ट द बैटल। सो उसके कारण हेमू फेंटेड मतलब बेहोश हो गए, और जो अफगान थे वो लॉस्ट बैटल जो है वो हार गए। हेमू वॉज अ वेरी कैपेबल हिंदू कमांडर इन चीफ ऑफ बिहार अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह। कहा जाता है कि हेमू जो था बहुत ही एबल रूलर था, सॉरी एबल सोल्जर्स था, किसके, बिहार के, कमांडर इन चीफ ऑफ बिहार अफगान रूलर मोहम्मद आदिल शाह। ही हैड इमर्ज विक्टोरियस इन 22 बैटल्स एंड ही हैड गेन द टाइटल ऑफ राजा विक्रमजीत ऑल्सो। तो इसके साथ साथ इन्होंने कितनी लड़ाई जीती मोहम्मद आदिल शाह के अंदर, उसमें जो हेमू थे वो उनके चीफ कमांडर थे कहा गया, 22 बैटल्स जीता था, और साथ साथ उन्हें राजा विक्रमजीत के नाम से भी ही वॉज बीन गिवन द टाइटल एज राजा विक्रमजीत। नाउ अकबर ऑक्युपाई आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ बैरम खान अकबर ऑक्युपाइड मालवा फोर्ट ऑफ चुनैर गोंडवाना फ्रॉम म्यूजिक लवर बास बहादुर। ही ऑल्सो वॉन द रणथंभौर फोर्ट फ्रॉम सुजानहाड़ा। तो इसी तरह से धीरे धीरे आसपास के जितने इलाके जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे
वापस से अकबर ने सारे राज्य अगेन ही स्टार्टेड टू कंकर। राजा रामचंद्र कंसील द कलिंजर फोर्ट टू अकबर कंसीडेड इन 15। इसी तरह से देखा गया धीरे धीरे जिस तरह से राजा रामचंद्र ने कलिंजर फोर्ट उनको दिया, वैसे बोध मारवाड़ एंड बीकानेर जो थे उन्होंने भी अपना जो फोर्ट था अकबर को सौंपने दे दिया उनको। फिर अकबर ऑल्सो ग्रैब जहाँ पे उसको आराम से मिला उनके डर से उन लोगों ने दे दी। कहीं पर उन्होंने अपनी ट्रिक यूज़ की, कहीं पर लोगों को डराया। तो इसी तरह से अकबर ऑल्सो ग्रैब गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह से गुजरात ले लिया। फिर बंगाल रीजन फ्रॉम दौद खान, इनसे ये रीजन्स ले लिए। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा एरिया जो था मुगल्स का बनना शुरू हो गया अंडर अकबर। द वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 इन विच महाराणा प्रताप फॉट अगेंस्ट द मुगल आर्मी विच वॉज लीड जॉइंटली बाय मान सिंह एंड आसफ खान। तो कहा गया साथ साथ 1576 की जो बैटल हुई थी हल्दी घाटी की बैटल्स बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल्स आर्मी के बीच में, और मुगल्स आर्मी को लीड कर रहा था मान सिंह एंड आसिफ खान। द मुगल आर्मी रिमेन अनसक्सेसफुल इन दिस बैटल। उन्होंने बहुत कोशिश की कि महाराणा प्रताप को वो बंदी बनाए, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। द मुगल रिमेन अनसक्सेसफुल इन दिस बैटल। प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सोवरेन ऑफ द मुगल। उन्होंने कभी भी उनकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो किसी के अंदर में काम नहीं करेंगे। ही विल रूल एज अ किंग इंडिपेंडेंटली। तो जस्ट आफ्टर द आर्मी मुगल आर्मी रिच बैक प्रताप प्री ऑक्यूपाइड हिज रीजन। जैसे ही मुगल्स की आर्मी पीछे हट जाते हैं वापस चले जाते हैं, तो प्रताप ने फिर से अपने रीजन्स जो भी रीजन्स उनका था जो मुगल्स ने उनसे छीन लिया था उन्हें वापस उनसे छीन लिया एंड गेन हिज स्टेट टू द लॉर्ड एंड ग्रैंड। उसके बाद जो भी स्टेट्स है उन सबको लेने के बाद जो भी वहाँ पे लॉर्ड थे उनको दे दिए जैसे लैंड लॉर्ड्स। तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे एरिया जो थे मुगल से ले ली। लीड बाय अकबर द मुगल आर्मी गेन डिसिसिव विक्ट्री ऑन काबुल ऑल्सो। अकबर की मिलिट्री जो ट्रिक्स थी वो भी बहुत स्ट्रांग और अच्छी थी, जिसके कारण मुगल्स आर्मी ने बहुत सारी लड़ाई जीती। जा कहा गया जैसे इसने विक्ट्री काबुल में भी पाई, मीर जाकिर वहाँ पे जो रूलर थे उनसे वहाँ पे जीता, कश्मीर यूसुफ वहाँ पे रूलर थे, सिंध मीर जैन बेग वहाँ पे रूलर थे, उड़ीसा में नासिर खान, खानदार हुसैन मिर्ज़ा, खालिद अली खान। तो इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे एरिया जो थे ये अकबर ने ही लीड किया के ये सारे एरिया उसने भी कॉन्कर किया। अकबर रिनेम खंदेश एज संदेश। तो अकबर ने खंदेश जगह था जिसको उसने संदेश करके रिनेम किया। द मुगल आर्मी कन्फ्रंटेड द फेरस अपोजिशन ऑफ चांद बीबी एंड गेन विक्ट्री अपॉन अहमदनगर ऑल्सो। तो इसी तरह से बहुत ही जिस तरह से चांद बीबी वो जो रूल कर रही थी उस तरह से उनके ऊपर भी उन्होंने उस एरिया पे भी रूल किया और कैप्चर किया, उनको उनमें भी हासिल हुई विक्ट्री। सो इन 1600 द मुगल अगेन ग्रेंडेड कंट्रोल अपॉन आसिरगढ़ ऑल्सो इन 1601 CE। दिस वॉज अकबर्स लास्ट विक्ट्री। लेकिन कहा जाता है कि ये वाला जो विक्ट्री था जिसने इनसे कंट्रोल किया था आसिरगढ़ में 1601 वो लास्ट विक्ट्री था। इन 1564 द उज़्बेक इन 1564 में उज़्बेक जो थे वो उन्होंने रिवोल्ट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मालवा गवर्नर अब्दुल्ला खान। अकबर क्रश बोथ द रिवोल्ट ऑफ उज़्बेक एज ही हैड क्रश द गुजरात रिवोल्ट इन 1584 ऑल्सो। तो कहा गया जिस कि जब उसने शुरुआत की थी कंकर करना आसपास के एरिया में, तो बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट की थी कि वो अपने एरिया उनको नहीं देंगे, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, रिवोल्ट किया था उसके लिए। तो इस तरह से उज़्बेक ने भी जब रिवोल्ट किया था ही वॉज द लीडर गवर्नर थे
किसके, मालवा गवर्नर अब्दुल्ला खान। तो लेकिन उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया। साथ साथ और जितनी लड़ाई थी, जितनी रिवॉल्व थी उज़्बेक के थ्रू, उन सभी को उन्होंने दबाया, उन्हें हराया। एज ही क्रश द गुजरात रिवॉल्व, जिस तरह से गुजरात रिवॉल्व जो गुजरात में रूलर थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन वापस उसमें अकबर ने उन्हें चुप कराया। सो अब्दुल रहीम वॉज इंटाइटल्ड एज खाने खाना ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ यूसुफ जहां। जब ये इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि अब्दुल रहीम जो थे उनको उन्होंने इंटाइटल एज खाने खाना, उनको सरनेम ऐसा नाम दिया गया। फिर ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ यूसुफ जहां, वन ऑफ द 9 जर्म्स जो उनके अलग अलग 9 रत्न कहा जाता था उनके कोर्ट में, कि बहुत ही फेमस और बहुत ही स्किल्ड पर्सन उन्होंने अपने कोर्ट पे रखा था, तो उसी तरह से उनके अंदर जो 9 रत्न थे उसमें से एक राजा बीरबल इज ऑल्सो दिया। तो इसी तरह से राजा बीरबल हैड डाइड, अकबर हिमसेल्फ डाइड इन 1605 आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस ही वॉज बर्न एट हिज, कहा गया अकबर ने क्या किया यहाँ पर कि जब वेन ही डाइड इन 1605, तो ये क्यों, बिकॉज ये बहुत लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे, इसके कारण वो मारे गए। तो ही वॉज बर्ड एट हिज टॉम एट सिकंदर, और इसे कहाँ दफनाया गया, सिकंदर में, और उसका वहाँ पर टॉम मकबरा बनाया गया जिसे टॉम के नाम से कहा जाता है। हिज टॉम इज इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिस्ट स्टाइल, उनका जो स्टाइल था, स्ट्रक्चर जो था वो बुद्धिस्ट स्टाइल के जैसी आर्किटेक्ट बनाया गया था उसकी मकबरे को। अकबर कॉल पोर्चुगीज मिशनरीज फ्रॉम गोवा, ही बिल्ड इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी इन 1575 टू कंडक्ट रिलीजियस डिस्कशंस। तो यहाँ पर उस समय जो पोर्चुगीज मिशनरीज आए थे इंडिया के अंदर, तो बाबर ने, सॉरी अकबर ने उन्हें बुलाया था और उनके लिए उन्होंने एक इबादत खड़ा हुआ था जहाँ पर वो बैठ के पूरी ध्यान से अपनी जो भी रिलीजियस क्या है उसको वो स्टडी करें, मेडिटेशंस करें। तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में वहाँ पर इबादत खाना बनाया टू कंडक्ट एंड डिस्कस रिलीजियस, जो भी मैटर होगा उस इबादत खाना में वो डिस्कस करेंगे। ही इन्फोर्स अ रिलीजियस नेम, इन्होंने एक रिलीजियस कोशिश की थी कि उन्होंने एक रिलीजियस बनाया और उन्होंने उनका नाम दिया था दीन इलाही थ्रू वोटिंग, कि कौन लोग, कितने लोग जो है पसंद करना चाहते, पसंद करते इस व्यू को, इस डिसीजन को, तो वोटिंग के थ्रू उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था 1581 में। राजा बीरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू टू ज्वाइन दिस रिलीजन्स, तो राजा बीरबल कहा जाता था कि सबसे पहले इन्होंने वोट किया था, इन्होंने ज्वाइन किया था। शेख मुबारक अनाउंस अकबर एज इमाम आदिल, कि ये मुजद हिंद, कि वो चाहते हैं इमाम आदिल कि वो पूरे इंडिया को एक करके बनाना चाहते हैं, सारे रिलीजियस को मिला के, सबके बारे में सोच के, एक ऐसा रिलीजियस जहाँ पे सारे लोग खुश रहें। तो ही प्रोनाउंस ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज क्लेन एंड बिल्ड चर्चेस फॉर क्रिश्चियंस। तो इन्होंने सबके लिए, इन्होंने चिश्ती के लिए मुस्लिम जो थे सूफी उनके लिए प्रोटेक्ट किया, इवन चर्च बनाया गया जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए लाहौर में, आगरा में, अगेन साथ में जैन जो थे जैन के लिए भी इन्होंने किया। मुनि हरि विजय सूरी वॉज ऑनर्ड हिम एज अ जगत गुरु। तो उसी तरह से अलग अलग जितने रिलीजियस हैं सब के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया, और जिसके कारण कहा गया हरि विजय सूरी जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि अकबर जो थे वो जगत गुरु, क्योंकि सबके लिए सोच रहे और सब के बारे में सोच के जो रिलीजियस और रूल करना चाहे वो राजा सचमुच बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से अब्दुल फजल वॉज द हेड प्रीस्ट ऑफ दीन इलाही रिलीजन। अब्दुल फजल, इन्होंने अकबर नामा लिखा था उनका ऑटोबायोग्राफी, तो वो तो उनके कहा गया ही वॉज अ प्रीस्ट, हेड प्रीस्ट ऑफ दीन इलाही का हेड प्रीस्ट बनाया गया। अकबर इशू द न्यू कैलेंडर नेम इलाही एरा, और इन्होंने अपने कैलेंडर शुरुआत की और उसका नाम रखा एरा, इलाही एरा करके। तो इस तरह से ये इन्होंने शुरुआत की, लेकिन इनके मरने के बाद, इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आया उन्होंने उसको फॉलो नहीं की, इस पैटर्न को, इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया। ये अकबर की कॉइन है जो अकबर ने सर्कुलेट की थी
अपने समय अपने रूलिंग पीरियड के अंदर। नाउ अकॉर्डिंग टू हिज पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर द राजपूत, अकबर परफॉर्म द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग हिज सॉवरेन अपॉन राजपूत पावर थ्रू फ्यूचर्स ऑफ मैरिज अलायंसेस एंड बाय एग्जीबिटिंग पावर। तो जैसे मैंने कहा कि हम उन्होंने बहुत ट्रिक यूज़ किया था, जहाँ पे वो पावर यूज़ करना था वो पावर यूज़ किया, जहाँ पे उन्होंने अपनी नॉलेज, उसी तरह से राजपूत को भी अपने अंडर में रखना कि वो उनके अंडर में रहे, उनकी ऑर्डर्स फॉलो करे। तो उन्होंने यूज़ किया फ्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब शादी रिलेशन बना के, ताकि अगर रिलेशन रहेगा तो फिर कोई भी रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो इसकी तरह से इन्होंने शादी के रिलेशन वाला सिस्टम यूज़ किया और राजपूत की डॉटर्स के साथ जो थे मुस्लिम्स, उसमें इंटर मैरिज इस तरह से शुरुआत की, जिस तरह से कि आगे कोई भी मुगल्स के ऊपर, अब मुगल्स उनके ऊपर जो कंट्रोल, राजपूत उनकी फॉलो करेंगे जो भी पॉलिसीज होगा। कछावा रूलर जो थे, बरमाल वॉज द फर्स्ट राजपूत रूलर टू इंटर अलायंसेज विद अकबर, कहा जाता है कछावा जो रूलर थे वो सबसे पहले अकबर के इस मैरिज वाले फ्यूशन में सबसे पहले एंटर होते हैं। ही अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मान सिंह टू हाई पोस्ट इन हिज कोर्ट। इन्होंने भगवान दास और राजा मान सिंह जो थे रूलर, उनको उन्होंने अपने राज्य में एक अच्छा पोस्ट कोर्ट के अंदर, एक हाई पोस्ट उनको ऑफर किया गया था। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगरपुर, जो रॉयल डायनेस्टी थे, जो किंग थे डूंगरपुर के, बांसवाड़ा के, प्रतापगढ़ के, इन लोगों ने भी राजा अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, बट दे रिमेन इंडिपेंडेंट। कि उन जब उन्होंने एक्सेप्ट के लिए सोवरेनिटी, तो फिर किंग मुगल जो अकबर थे उन्होंने उन्हें एज रूल करने के लिए कह दिया कि यू कैन रूल एज इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो अंडर में आ गए उनके और राजा के परमिशन से, तो उन्होंने अकबर ने उनको परमिट कर दी कि वो रूल कर सकते हैं एज इंडिपेंडेंट रूलर। इन 1564 अकबर एबोलाइज जजिया टैक्स कम्प्लीटली। जजिया टैक्स जो रिलीजियस टैक्स होता है, जो रिलीजियस मैटर से, जैसे तीर्थ में जाते हैं, मुस्लिम हज पे जाते हैं, तो इस तरह से जो रिलीजियस होती थी पिलग्रिम्स के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो ये इस तरह से वो उनसे टैक्स लिया जाता था। ये बहुत स्टार्टिंग से था। तो अकबर को जब ये रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है, क्योंकि नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू से लिया जा रहा था, तो उन्होंने इस कम्प्लीटली इसको मना कर दिया, बैन कर दिया, इसको हटा दिया गया कि ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। फतेहपुर सीकरी रिमेन द रॉयल कैपिटल फ्रॉम 1569 टू 1584। और फतेहपुर सीकरी दो रॉयल कैपिटल बना रहा, कब से कब तक? 69 से 84-15। बुलंद दरवाज़ा बिल्ड ऑन द साउथर्न गेट ऑफ द मॉस्क वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात। जब अकबर गुजरात की लड़ाई जीत के वापस आते तो उनकी स्वागत के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। इसी तरह से अकबर येरा फतेहपुर सीकरी, पिक्चर्स आपके बुक में ही है। तो इसी तरह से इन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया था, लेकिन इनके बाद जो भी इनके सक्सेसर आए, उन लोगों ने इनको पूरा फॉलो, एज अकबर जो रूल्स फॉलो कर रहे थे उन्होंने वैसा फॉलो नहीं किया। तो अकबर के बाद उनका सक्सेसर कौन था? जहांगीर। आफ्टर द नेम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, इनका नाम स्टार्टिंग में जो था शेख सलीम चिश्ती, ही वॉज रीनेम्ड एज सलीम। तो ही वॉज नेम्ड एज सलीम, उसको शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से सलीम के नाम से बोला जाने लगा। Now, owing to his military service, he had obtained 1200 mansab. Salim had revolted against Akbar in 1599. Now, Salim जो थे, ये military service, militaries के अंदर knowledge बहुत ज़्यादा रखते थे, और इनके अंदर में 1200 mansab दार जो थे, अलग अलग post के सूबेदार होते हैं, तो इसके अंडर में ये उनको इतना 1200 mansab दार के पोता उनको दिया गया था because of his military service. उन्होंने मिलिट्री में जो आर्मी के साथ, अपने पिता के साथ और अकेले जो युद्ध लड़ी थी, जो उनको सपोर्ट किया था, उसके कारण कहा जाता है सलीम ने, इवन इसने अपने पिता के खिलाफ भी रिवॉल्ट किया था, रिवॉल्ट अगेंस्ट अकबर 1599 में। टू क्रश द रिवॉल्ट अकबर सेंट अबुल फजल इन 1692, बट जहांगीर गॉट हिम असिनेटेड। लेकिन क्या किया कि जब उनको रोकना था अकबर को, तो बाबर ने क्या
सॉरी जब जहांगीर को रोकना था तो अकबर ने क्या किया, अबुल फजल को भेजा कि उसे समझाए और जो वो रिवोल्ट कर रहे अपने पिता के लिए, पिता के ख़िलाफ़, वो ना करे। लेकिन जहांगीर ने क्या किया, अबुल फजल को उसकी हत्या कर दी। गॉट हिम असैसिनेटेड मतलब होता है उसकी हत्या करना। सो इन 1605 जहांगीर गेन द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह एंड ओक्वायर द मुगल थ्रोन एट आगरा फोर्ट 1605। और उसके बाद 1605 में जहांगीर ने जब उस पर टाइटल दिया गया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, और उसके बाद उन्होंने ऑक्यूपाई किया आगरा फोर्ट और वो डिक्लेयर किया एज अ सक्सेसर ऑफ अकबर। ही हैज सेंट सिख गुरु, ही हैज सेंट सिख गुरु अर्जुन देव टू डेथ। जहांगीर विक्ट्री अपॉन खंदर इज रिगार्डेड टू बी सिग्निफिकेंट आयरन सिग्निफिकेंट फ्रॉम मिलिट्री एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्होंने जब इन्होंने रूल करना शुरू किया एज अ, जब उनको थ्रोन मिल गया, उनको राज्य मिल गया, तो उन्होंने देखा गया अकबर ने सारे रिलीजियस को मिक्स करके रूल करना शुरू किया था और सारे रिलीजियस को मिला के उन्होंने एक रिलीजियस का के दीने लाई। लेकिन जैसे ही उसके बाद उनके सक्सेसर आए उन्होंने उनको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण सिख गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने उनको अरेस्ट करा है और उन्हें डेथ सेंटेंस इशू कर दी कि इसे फांसी लगानी है। फिर उसके साथ साथ खंदर जो रीजन था नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स में, उन्होंने वहाँ पर उसे उस एरिया में भी रूल कंकर करने की कोशिश की मिलिट्री के थ्रू एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन 1611 जहांगीर गॉट मैरिड टू अ विडो नेम मेहरुन्निसा एंड एडॉर्ड हर विद द टाइटल नूर महल और नूर जहां। उसके बाद 1611 में इन्होंने शादी की एक विडो से जिसका नाम था पहले मेहरुन्निसा, बाद में उन्होंने नाम उनको चेंज करके नूर महल या फिर नूर जहां रखा गया। लेटर शी वॉज इंटाइटल एज बादशाह बेगम, क्योंकि जो भी डिसीजन था वो उसके जहांगीर जो है वो नहीं लेते थे, ये खुद नूर महल या फिर नूर जहां वो लेती थी, लोग उनसे डिस्कस करते थे क्योंकि वो इंटरेस्ट लेती थी पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर। तो फिर उसको नाम दे दिया गया था बादशाह बेगम करके। द ब्रिटिश एम्बेसडर्स कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉ विजिटेड हिज कोर्ट। उस दौरान जो ब्रिटिश एम्बेसडर्स थे कैप्टन हॉक एंड सर जॉन सर थॉमस जो, इन्होंने भी विजिट की थी जहांगीर के समय में। जहांगीर डाइड इन द ईयर 1627। उसके बाद जहांगीर के बाद उनका सक्सेसर कौन आया, शाहजहां। नाउ हिज चाइल्डहुड नेम वॉज खुर्राम। इन 1612 ही गॉट मैरिड टू असफ खान्स डॉटर अर्जुमंद बानो बेगम। तो इनकी शादी हुई किसके साथ, असफ खान की डॉटर जो थी, असफ खान की डॉटर के साथ अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जिसे बाद में मुमताज़ महल के नाम से फेमस हुई। ही वॉज कॉर्नेटेड इन आगरा इन फेब्रवरी 1628 ड्यूरिंग हिज रिजेंस खान जहां लोधी एंड जुझार सिंह बुलंदा के रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। तो कहा गया जब वो राजा बने और आगरा की उनको जब फोर्ट मिली तो उसमें उसकी रीजन्स में अब उसकी पीरियड में खान जहां लोधी और जुझार सिंह जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया। किसके खिलाफ रिवोल्ट किया, शाहजहां के खिलाफ रिवोल्ट किया। शाहजहां डिफीटेड द पोर्चुगल्स आल्सो रिवोल्टेड हिम। शाहजहां अगेन डिफीटेड द पोर्चुगल्स इन हुगली इन 1633 में। तो शाहजहां ने रिवोल्ट किया, डिफीट किया जो पोर्चुगल्स थे वो हुगली की साइड्स में इंटर करे थे, तब उसको हराया। फिर ही मर्ज अहमदनगर इन द मुगल एम्पायर, और बाद में उन्होंने अहमदनगर को मुगल्स के अंदर मर्ज किया। ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान आदिल शाह इन 1652 में। तो इसी तरह से इन्होंने भी लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे आसपास की जो एरिया थी उनको उन्होंने मर्ज करना शुरू किया। इसी तरह से बीजापुर के रूलर्स को हराया। फिर शाहजहां मेक हिज सन औरंगजेब द विक्ट्री ऑफ डेकन। फिर उन्होंने औरंगजेब जो थे उनको भेजा था डेकन में ताकि वहाँ पर वो जीत हासिल करें। इन 1657 औरंगजेब इम्प्रेजेंट शाहजहां, लेकिन बाद में क्या किया, शाहजहां
जब उसने शाहजहाँ ने अपने बेटे को भेजा था और उसने जब रूल कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उसको जीत हासिल होने लगी, सो ही वॉन्टेड टू बी एज अ किंग कि वो खुद रूल करे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को शाहजहाँ को बंदी बना ली इन आगरा फोर्ट, एंड ही एसिनेटेड हिज ब्रदर, और अपने भाइयों को दारा मुराद एंड सूजा जो थे, इन्हें इनको ये रिवोल्ट करते इनके लिए कि इन्होंने पिता को क्यों बंदी बनाई, या फिर उनको बोलते कि हमें भी राज महल में हमें भी राजा बनना है, तो उसी तरह से उन्होंने अपने भाइयों को भी उनके भाइयों को भी अपनी रास्ते से हटाया, उसकी हत्या कर दी। शाहजहाँ डाइड इन 1666, वो कारागाह में मतलब जेल खाने में ही धीरे धीरे उनकी बाद में मृत्यु हुई। सक्सेशन बैटल नेम द बैटल ऑफ धर्मत टू प्रेस बिटवीन दारा शेख एंड औरंगजेब। उसके बाद जब वो राजा बने तो उसके बाद देखा गया अगेन देयर वाज अ बैटल, उनकी लड़ाई हुई, बहुत सी लड़ाई लड़ी उन्होंने, जिसमें से एक लड़ाई थी दारा शेख और औरंगजेब के बीच में। फिर फ्रेंच ट्रैवलर्स फ्रांसकोस बर्नियर्स एंड इटालियन ट्रैवलर निकोलस मोनेसी निकोलो मोनासियो हैज डिस्क्राइब शाहजहाँ रीजन्स। इन्होंने अपनी जो भी उनको देखी इस राज्य में क्या क्या था, इन्होंने कैसा रूल किया, तो जब ये वापस गए तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि शाहजहाँ कैसे थे। शाहजहाँ बिल्ड अ म्यूजियम ऑल्सो ऑन द टॉम ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल विच इज़ नोन एज ताज महल। तो उन्होंने उनकी वाइफ के मरने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ के लिए जो टॉम बनाई थी, जिसको कहा जाता है, जिसे आज हम लोग जानते हैं ताजमहल के नाम से। तो इसी तरह से इसके बाद औरंगजेब बने। लेकिन हमने अभी जितना कहा कि जितने सारे रूलर्स ये एक दूसरे को मार के ही आगे बढ़े, भले वो उनके पिता हो या उनके भाई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग औरंगजेब से शुरू करेंगे।